आज हम 5 मिनट में बहुत ही चटपटा, टेस्टी, हेल्दी और कम तेल का नाश्ता बनाएंगे। एक बार बनाएंगे तो हर बार यही बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप सूजी ले ली है। सूजी कोई भी ले सकते हैं, मोटी पतली जो भी आपके पास है। इसमें 2 चम्मच हम दही डालेंगे, ज़्यादा खट्टी दही ना हो, नहीं तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डालेंगे और उसके बाद हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। इस तरीके से इससे हमें पता चलेगा कि हमें इसमें पानी कितना ऐड करना है। तो जिस बर्तन में हमने दही लिया था उसी में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाकर हमें कुछ समय के लिए इसे रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप लोगों से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत ही कम बजट में ये टेस्टी टेस्टी रेसिपी मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि सूजी अच्छे से फूल गई है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर 1/2 कप और पानी ऐड करेंगे क्योंकि सूजी ने अच्छे से पानी को सोख कर लिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं छाछ वाला ही पानी जो पहले दही लगा था तो उसी पानी को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, जैसे पत्ता गोभी, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर और थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया। हल्का सा मुझे नमक कम लग रहा था तो यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। 1/4 चम्मच यहाँ पर हल्दी ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हम यहाँ पर गरम मसाला ऐड करेंगे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा इसका टेस्ट और कलर अच्छा लगेगा इसलिए मैंने ऐड किया हुआ है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हमें इसमें मिला लेना है। तो ये अच्छे से मिल गया है। फिर इसमें हम थोड़ा सा, ये मुझे ठीक लग रहा था तो थोड़ा पानी ऐड किया हुआ है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच इनो पाउडर डालेंगे। इनो पाउडर की जगह आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। और एक्टिव होने के लिए इनो को यहाँ पर 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे और अच्छे से बैटर में इसे मिला लेंगे, जिससे कि हमारा नाश्ता सॉफ्ट एकदम स्पॉन्जी बने। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसे मिलाने के बाद हम इसे रेस्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे, तुरंत ही हमें इसे बनाना है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 1/2 चम्मच तेल हमने तवे पर ग्रीस कर लिया है। उसके बाद 1/1 चम्मच हम दूर दूर पर इसे बैटर को डाल देंगे। इस तरीके से आप चाहें तो एक बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन ये इस तरीके से आसानी से पक जाएगा और पलटने में भी हमें काफ़ी आसानी होगी। तो इस तरीके से मैंने 4 यहाँ पर एक तवे पर एक समय में डाल दिया है। थोड़ा कम ज़्यादा रहे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे ढककर हमें 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि अच्छे से पक रहा है कि नहीं। तो देख रहे होंगे साइड में से कॉर्नर इसका हल्का हल्का ड्राई होने लगा है। अब इसी स्टेज पर हम यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा तेल, घी या बटर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल 1/2 चम्मच डाल रही हूँ और इस तरीके से बहुत ही आसानी से नॉन स्टिक तावे पर आप बनाएंगे तो ये तेल की भी ज़रूरत नहीं होगी। मेरे पास नॉन स्टिक तावा नहीं है तो मैं इसी पे बना रही हूँ। तो थोड़ा सा तेल डालकर उसके बाद इसे पलटी कर देंगे। आप देख रहे होंगे कितना इसका प्यारा कलर आया हुआ है, एकदम ही लाजवाब इसका कलर है। तो इसे दूसरी तरफ भी हमें अच्छे से दबा दबा कर इसे सेक लेना है। अब हमें यहाँ पर न तेल लगाना है ना ही घी। इस तरीके से बच्चे को काफ़ी नाश्ता पसंद आता है और ये हेल्दी भी होता है। इसे आप बच्चों के लिए या बड़ों के लिए नाश्ते में बना सकते हैं, उन्हें काफ़ी पसंद आएगा
और ये बहुत ही कम तेल से बना है तो हेल्दी भी है और बिना चटनी के भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरी बैच भी बनाएंगे, तावे पर अच्छे से फैलाकर ढककर इसे पकने देंगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया कीजिए, और फेसबुक पर अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। यहाँ पर हम चलिए सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही तड़के के साथ और सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो इसे नारियल की चटनी या सेंग दाने की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कितना ये सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बना हुआ है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी में।